और दोस्तों एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है। इस जो है हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है और यहाँ पर जो है बनवार पार क्षेत्र में जो है वार्षिक महोत्सव इंडिया पब्लिक स्कूल के माध्यम से यहाँ पर किया गया है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में विनय शंकर तिवारी जी हैं और ये भूतपूर्व विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। के जगह पे जब देखा जाता शिक्षा हो या खेल हो, ज्यादातर आप आगे रहते हैं, यह शिक्षा कहाँ से मिली है आपको, प्रेरणा किससे मिली है इस चीज का? नहीं, ये प्रेरणा आपके अपने समाज से मिली है। जैसे जो क्या है, जो भारत वर्ष या आर्यावर्त जिसको आप कहते हो, देखो ये ऋषियों का देश है, ऋषिकुल कहा गया है इसको और गुरुकुल कहा गया है। आप जब भी बात करते हो गुरुकुल की बात करते हो, ऋषिकुल की बात करते हो, हमारे पूरे समाज में शिक्षा को सबसे पहले स्थान दिया गया है। और जब तक शिक्षा और शिक्षा हर तरह की शिक्षा, शिक्षा में केवल डिग्री तक शिक्षा नहीं होती है, जो शिक्षा होता है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो जैसे ये वार्षिकोत्सव कर रहे हैं ये आपके विद्यालय में, जहाँ पे ये बच्चों का जो भी विकास है और इनमें और क्या बेहतरी की जा सके उसके लिए प्रयासरत है विद्यालय। तो जब उसके लिए प्रयास, तो उसमें हमसे जो सहयोग हो सकता है, हम उनको अपनी तरफ से कुछ बात कह सकते हैं, तो वो बात हम कहने का प्रयास करेंगे, बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे और जो अध्यापक हैं अध्यापिकाएं हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का मतलब रटी रटाई कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, विषय नहीं होना चाहिए, ज्ञान और सूचना, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, दोनों दो चीज़ें हैं। तो अभी हमारी जो वर्तमान समय है ये सूचना क्रांति का है, जैसे आप लेके बैठे हो ये सब, ये सूचना क्रांति है लेकिन ये ज्ञान नहीं है। तो बच्चों को ज्ञानवान होना पड़ेगा, सूचना से थोड़ा मतलब रहे, तो उनके पास सूचनाएं हो लेकिन ज्ञान के आधार पे सूचना हो, जो सूचना ज्ञान के आधार पे नहीं होगी वो अधूरी हो जाएगी। नहीं, नॉलेज डेंजरस नहीं होता है, मतलब सूचना डेंजरस होती है। जब ज्ञान होगा वो परिपक्व, जब ज्ञान आ जाएगा तो परिपक्व। आज के जो विद्या का जो इसमें दौर है और जो आने वाले दौर में जो रोजगार को मांग रही है, व्यवसाय उत्पत्ति जो मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, एनसीईआरटी पैटर्न का जो होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एनसीईआरटी पैटर्न या किसी पैटर्न पर विद्या नहीं होती है। मैथिलीशरण गुप्त की लाइनें अगर आपको याद होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि हे शिक्षे तुम्हारा नाश हो जो तुम नौकरी के हित बनी जी। तो शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए है। तो कभी भी मतलब ये कहना कि एनसीईआरटी की पद्धति से हो या कोई वो तो पद्धति नाम आप दे दें, कोई एक नया नाम दे दे, सरकार कोई नया नाम दे सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के पास ज्ञान या नॉलेज कैसे बेहतर हो, किस तरह से उसके प्रति उत्सुक हो किसी नई जानकारी के लिए। वर्तमान में अगर आप लोग सब लोग सूचना से ही हो, वर्तमान में जो 100 विश्वविद्यालय हैं भारतवर्ष में, का एक भी विश्वविद्यालय 100 विश्वविद्यालय में नहीं आता, एक भी विश्वविद्यालय नहीं। लेकिन कितनी सौभाग्य की बात है अगर आप कहिए, तो वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय को अभी डबल प्लस नैक का ग्रेडिंग दी गई है। तो क्या यह उचित है क्या, जहाँ पे छात्रावास में, जहाँ छात्रावास में पीएससी रह रही है लड़कों की जगह, लड़कों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, छतें टपक रही हैं और उस विश्वविद्यालय को ए डबल प्लस दिया जा रहा है, तो नैक के बारे में भी सोचना पड़ेगा और सरकार की सोच के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और सर जैसे मान लीजिए आज के तारीख में शिक्षा का तो पहले से ज़्यादा ही प्रचार प्रसार हो गया, लोग शिक्षित भी हुए, लेकिन जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है इसमें सरकार के माध्यम से आप क्या करना चाहें, सरकार को क्या करना चाहिए, इसमें क्या बदलाव करना चाहिए कि जब लड़का अपने स्कूल से या कॉलेज से डिग्रियां लेके निकलता है तो वो क्या करे कि उसको बेरोजगारी का दंश ना झेलना पड़े? देखिए बेरोजगारी, फिर हमने पुनः कहा डिग्री से मत आप आंकिए, जब डिग्री से आंकेंगे तो जब आप ज्ञान से आंकेंगे, अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी विषय का आपको ज्ञान होगा, जैसे आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, खेल भी एक अच्छा कैरियर है, संगीत एक अच्छा कैरियर है, खेती जो जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, खेती एक बहुत अच्छा कैरियर है, तो मैंने खेती से लोग पढ़ते हैं। डिग्री में अगर वो चरमोत्कर्ष, जैसे विदेशों में क्या है, जो कॉलेज तक शिक्षा है वो सरकार मुफ्त देती है, कॉलेज के बाद जो शिक्षा है अगर बड़े यूरोपियन देशों में आप चले जाओगे तो वो वही शिक्षा लेता है जिसको उस विषय का विशेषज्ञ बनना होता है, माना नहीं जाता बनना होता है। अगर मान लो आप जैसे कैमरा लेके घूम रहे हो
आपको अगर पत्रकार होना है, आपको न्यूज़ रिपोर्टर होना है, या आपको खबर पढ़नी है, एंकर होना है, तो आपको पत्रकारिता की तरफ आप जाओगे, अन्यथा आप अपने किसी रोजगार की तरफ चले जाओगे, जो भी रोजगार आप करोगे। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा क्या है कि हम पहले इंटर करते हैं, इंटर के बाद हम कहते हैं बीए कर लेंगे या बीएससी कर लेंगे, फिर एमए करेंगे, एमएससी कर लेंगे, या फिर अब तो बीसीए है, बीबीए है, और ढेर सारे कोर्स हो गए, बीएड हो गए हैं, डीपीएड हो गए हैं, डीएलएड हो गया, इतनी डिग्री है कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो इतना डिग्री है तो उससे दूर रखना पड़ेगा, और शिक्षा को एक सीमा के बाद विशेषज्ञता हासिल कैसे हो इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। ग्रामीणों में कैसे शिक्षा का प्रचलन हो, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे शिक्षा दूर दूर तक नहीं है। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से ऐसा कहीं नहीं है, हर गांव में विद्यालय है। प्राइमरी स्कूल को देखा जाए सर, तो वहां भी अगर शिक्षक जो है, टीचर जो है, लगभग ना के बराबर है। नहीं नहीं, लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, यार कई सारे स्कूल जो सरकारी स्कूल है पूरी तरह से देख रहे हैं बैन भी हो गए। नहीं, बंद हो गए हैं, वो दूसरा कारण है। लेकिन हर विद्यालय, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ शिक्षक ना हो, कोई ऐसा गांव नहीं है। अगर शिक्षक इतने अच्छे वेतन पाते हैं, उसके बावजूद उस पूरे ग्राम सभा के बच्चे अगर 25 बच्चे 30 बच्चे हो रहे थे, कहाँ से ये कारण है कि भाई या तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा वितरण नहीं किया जा रहा है, या तो जो बच्चे हैं ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या उनके गार्जियन का दोष? ग्रहण नहीं, देखिए ग्रहण कैसे, बच्चों के ऊपर दोष देना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम जो सिखाएंगे वो सीखेंगे, बिल्कुल, तो वो तो बच्चों का दोष नहीं है, सरकार की शिक्षा पद्धति का दोष है। सरकार उसके प्रति, देखिए अभी शिक्षा का बजट कम हो गया है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप शिक्षा का बजट, दुनिया में शिक्षा का बजट बढ़ता है, हमारे वहाँ शिक्षा का बजट कम घट रहा है। बच्चों को जहाँ तक आपने सरकारी विद्यालयों में, जैसे अभी तक जो शिक्षा मित्र थे, अनुदेशक थे, इनके माध्यम से तमाम लोगों को पढ़ा देते थे, अभी सरकार ने अनुदेशकों को भत्ता कम कर दिया, शिक्षा मित्रों का भत्ता कम कर दिया, कहती है कि हम शिक्षा, उनको शिक्षक मानते हैं, तो कम से कम सरकार को जितने शिक्षक भर्ती करने हैं उसको भर्ती करना चाहिए, उनको उसके माध्यम से रोजगार देना चाहिए। सरकार अब व्यापारी हो गई है, और जिस सरकार की सोच व्यापारी हो, आचार्य चाणक्य ने कहा है जहाँ राजा व्यापारी होगा वहाँ प्रजा भिखारी होगी, तो वर्तमान राजा व्यापारी है। अच्छा सर, पर आज जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं, इन बच्चों को कुछ मोटिवेशनल क्या करना चाहेंगे? अभी तो वहाँ कहेंगे तो वहाँ सुन रहे हैं यार, अभी कह देंगे तब तो बात गलत हो जाए, एडवांस हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पर इसके लिए तो अलग से होना चाहिए, तो सोशल मीडिया जब कहेंगे तो सोशल मीडिया उसको कवर करे, फिर बच्चों को, बच्चों की बात बच्चों से होगी ना। सर, जिले के जो दूर दराज के जो पिछड़े इलाके होते हैं, वहाँ पे इस तरह से विद्यालय चलाना, प्रबंधक की बहुत व्यवस्था को उनको बहुत झंझट होता है, कठिनाइयाँ होती हैं, हर तरह के समस्याएं आती हैं, उसके बारे में ये लोग झेलते रहते हैं और प्रेरणा बन के लोग काम करते रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी कार्य के लिए भाई तो सरकार, देखिए हम क्या कहेंगे, ऐसे नहीं, आप कोई काम करना चाहिए तो निर्णय आपका है ना, ये हमारा या किसी का निर्णय नहीं है। जो भी जो काम कर रहा है, मान लीजिए हम राजनीति कर रहे हैं, ये निर्णय मेरा है, तो इसमें जो भी समस्या आएगी तो हम ही को झेलना पड़ेगा। तो हर कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो समस्या रहित हो, कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो समस्या रही, तो हर काम में कुछ ना कुछ समस्याएं होती, कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती है। थैंक यू। तो इस तमाम इन कड़ियों के साथ जो है, यहाँ पर हमारे साथ जो है अरविंद कुमार राय जी हैं, और जो एक पहलवानी करते हैं, और पहलवानी के साथ साथ जो अपने आप को फिट बनाए हुए हैं, और आज जो है बच्चों को जो पुरस्कृत भी किया है। सर, आज जो पुरस्कार यहाँ पर वितरण हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए? सबसे अच्छा तो आज बनवारपार में इंडियन पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ के टीचर्स लोग परिश्रम करके इन बच्चों को शिक्षित और अनुशासित बनाए हैं, और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ बच्चे अनुशासित हैं, और बहुत ही टैलेंट टाइप के बच्चे हैं, देखने से लग रहा है कि हाँ इन बच्चों को शिक्षित किया गया है, शिक्षा दिया गया है। तो अगर हमारे देहातों में इसी तरह का टीचर्स लोग परिश्रम करके और हमारे बच्चों को इस तरह से अगर अनुशासन और शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ भी विद्यालयों का मान सम्मान बढ़ेगा, और यहाँ से भी बच्चे आगे बढ़ेंगे और देश प्रदेश लेवल पर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और इधर आप देख पा रहे हैं हमारे बगल में जो है, यहाँ पर छात्र के अभिभावक लोग भी उपस्थित हैं, और कुछ जो है सम्मानित लोग भी उपस्थित हैं। इन तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इन तमाम शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।